नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड की इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट से साइंस से पीसीएम पीसीबी या पीसीएमबी लेकर पढ़ाई किया है और वे इंतजार कर रहे हैं पैरामेडिकल एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का। तो जेसीसीबी ने पैरामेडिकल एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है स्टार्ट कर दिया है। इनकी जो प्रक्रिया है हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको jccb.jharkhand.gov.in पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पैरामेडिकल एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंत में आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से न्यू रजिस्टर करके ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको इसके जो एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट नोटिस यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तथा इनके जो शुल्क है क्या है तथा इनकी जो एलिजिबिलिटी है क्या है उसके बारे में हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जितने भी सरकारी झारखंड राज्य के जितने भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान हैं उनके जो नाम है यहाँ पे नीचे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका फार्मेसी, पैरामेडिकल, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट या रेडियोग्राफर अटेंडेंट कोर्सेज की पढ़ाई होगी 2021-22 के लिए। ठीक है, तथा इनकी जो एलिजिबिलिटी है भारत का नागरिक होना चाहिए तथा झारखंड राज्य के स्थायी या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। फार्मेसी पाठ्यक्रम में 3 वर्षीय डिप्लोमा या पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें 60 इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक दो काम पहले आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट बरियातू रांची, गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची। ठीक है, स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सेंट्रल हॉस्पिटल बीसीसीएल धनबाद, ऐसे 60 कॉलेजेस हैं। ठीक है, यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट क्लिक करके आप सारे डिटेल्स से आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने कॉलेजेस हैं। ठीक है, इसके बारे में हम खाली सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट देख के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो योग्यता है एबिलिटी है फार्मेसी तथा पाठ्यक्रम के लिए आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी से। ठीक है, उसके बाद आपका फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु आपका 31 दिसंबर में 17 वर्ष न्यूनतम आयु होना अति आवश्यक है तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है तथा अधिकतम आयु भी निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, उसी प्रकार आपका ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रम में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स का जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका 74 कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक दो का हम नाम आपको बता दे रहे हैं, सदर हॉस्पिटल देवघर, सदर हॉस्पिटल दुमका, सदर हॉस्पिटल गिरिडीह, लतेहार, गुमला, पलामू, रांची, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में आप देख सकते हैं। ठीक है, 74 कॉलेजेस का नाम यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, इनकी जो एलिजिबिलिटी है इसमें मैट्रिक पास होना अति आवश्यक है। उसके बाद जो आयु सीमा है इनमें कोई निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, उसके इसको जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करके ऑनलाइन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, यह जो फॉर्म है आपका 29 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है जो 15 नवंबर 2021 तक आपका चलेगा। अगर फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप 16 नवंबर 2021 से 17 नवंबर 2021 के बीच आप एडिटिंग कर सकते हैं तथा इसमें आपका क्या क्या आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में लगेगा उसके बारे में हम पहले बता देते हैं। इसमें आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेना है जो आपका कान दोनों स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप पुराना फोटो एडिट करके इसमें अपलोड नहीं कीजिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, हस्ताक्षर या बाएँ हाथ का अंगूठे का निशान आपको व्हाइट पेपर आपको लेकर स्कैन करना है। ठीक है, तथा ऑनलाइन फॉर्म अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका प्रिंट आउट आप रख लीजिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए। ठीक है,
और आपको कार्यालय में इसको भेजने की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्जाम का जो डेट है आपका नवंबर दिसंबर के महीने में 2021 के महीने में आपको आयोजित की जाएगी, तथा एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पूर्व आपको वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको वेबसाइट समय समय पर विजिट करना होगा। ठीक है, इसका जो फीस है आपका, एग्जाम शुल्क है आपका मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर के लिए 900 रुपीज़ निर्धारित किए गए हैं जनरल BC1 और BC2 के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर SC और ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या जितने भी महिलाएं हैं उनको 450 रुपये आपको एग्जाम फी आपको पे करना है, तथा दिव्यांग तथा फिजिकल हैंडीकेप्ड है तो आपको कोई भी फी आपको पे नहीं करना है। ठीक है, दिव्यांग आवेदकों का आवेदन शुल्क दे नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, इनका जो एग्जाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस को आएंगे, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। ठीक है, इसमें एक एक अंक आपको मिलेंगे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने गलत मार्किंग दिया तो आपको 0.25 आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी काट दिया जाएगा आपका। ठीक है, प्रश्न के लिए। ठीक है, अगर PCM और PCB के लिए आप एग्जाम देते हैं तो प्रत्येक से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, अगर मैट्रिक स्तरीय पाठ्यक्रम है तो आपको मैथ साइंस एवं जनरल नॉलेज से आपको प्रत्येक से 50-50 अंक इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जितने भी काउंसलिंग के समय, ये आप ध्यान रखिएगा, आपका आवासीय प्रमाण पत्र पहले से बना के रखिए। ठीक है, उसके बाद जितने अगर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बना के रखना है। ठीक है, चाहे आप BC1 हैं, BC2 हैं, SC हैं, ST हैं, या हैंडीकेप्ड या जो आपका है दिव्यांग है, तो आपको सर्टिफिकेट पहले से बना के रखना होगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको डिमांड किया जा सकता है। ठीक है, जो आपका अंचलाधिकारी या SDO से निर्गत होना चाहिए, यह स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट में। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएंगे और न्यू रजिस्टर्ड पे आप क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ, देखिए, फार्मेसी ऑफ पारामेडिकल, फार्मेसी ऑफ पारा मेडिकल, PCM, PCB। ठीक है, ड्रेसर और मेडिकल लैब अटेंडेंट और रेडियोग्राफर अटेंडेंट। ठीक है, आपको जिस कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, हम वहाँ पे यहाँ पे PCM पे क्लिक करके देते हैं। ठीक है, आपका जो कोर्सेज है आप यहाँ पे चुन के आप ऑनलाइन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे PCM में हम क्लिक कर दे रहे हैं सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे नाम आपको फिलअप करना है, जो आपका नाम है वो यहाँ पे फिलअप कीजिए, उसके बाद कंफर्म नाम आपको फिलअप करना है यहीं पे सेम। ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट में मैट्रिक में लिखा हुआ वही यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद आप मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है आपका यहाँ पे आपको डालना है, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है, कन्फर्म ईमेल एड्रेस सेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस हमेशा अपने अपने वाला ही डालिए। ठीक है, किसी दूसरे दोस्त या फ्रेंड का आपको यहाँ पे नहीं डालना। ठीक, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ये आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको डिमांड किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे ईमेल एड्रेस और जो आप डालेंगे आपका एक OTP आपको जाएगा। ठीक है, जो भी OTP आपको जाएगा, ईमेल OTP और मोबाइल OTP दोनों एक ही होता है, जिसमें एक में भी आपको जाएगा तो दोनों में आप फिलअप करके आगे की प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो लॉगिन पासवर्ड है सिंपल रखिए। ठीक है, जैसे कि आपका अजय रखना है तो अजय 12 15 जो भी है सिंपल रखिए, अजय 12 रख दीजिए, अजय 12 रख दीजिए। ठीक है, जो भी है आपका सिंपल रखिए। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में। ठीक है, और एक आपका कैप्स रखना है और सारा स्मॉल, उसके बाद आपको डिजिट रखना है। ठीक है, कोई भी स्पेशल सिंबल इसमें अटैच नहीं करना है, नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो कैप्चा कोड है यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे आई हेयरवेयर पे क्लिक करके सबमिट एंड कंटिन्यू पे वो क्लिक कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए तो फिर से आपका कैप्चा कोड मांगने लगता है, क्योंकि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, इसलिए आप फिर से एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पे आप सही भी डालते तभी एरर बताएगा, इसलिए फिर से आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आई हेयर पे क्लिक करके सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको पासवर्ड फिलअप करना है, उसके बाद आपका जो कैप्चा कोड है यहाँ पर डाल के आपको लॉगिन कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे
ये फॉर्म आपका खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको पिताजी का नाम यहाँ पर फिलअप करना है, उसके बाद माता का नाम यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपका रेसिडेंट स्टेटस यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड अगर आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपका जनरल कैटेगरी के लिए आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको करना है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। क्योंकि जितने भी आप सर्टिफिकेट आजकल बन रहे रेसिडेंट, यहाँ पे लोकल रेसिडेंट ही बनता है, लेकिन आपको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड में क्लिक करना है, क्योंकि इसी में आपका सारा ऑप्शन आपका आएगा, जनरल ST SC BC1 BC2, ठीक है। इसलिए आपको इसी को क्लिक करना है, ठीक है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कैटेगरी आ जाएगा, जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पे आपको चूज करके आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम कितना है, जो भी अगर 70,000 से कम है पीएफ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपका है यहाँ पे आप डाल के आगे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 70,000 से कम है तो, या जो भी इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया है तो आपको उसी के अनुसार यहाँ पे आपको डालना है। अगर नहीं बनाया है तो अपना जो इनकम है आप देख लीजिए फैमिली इनकम क्या है, ठीक है, उसको फिलअप करना। उसके बाद जो नेशनलिटी है इंडियन है तो आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका डिजेबिलिटी है कुछ भी है तो यस कर सकते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो आपका टाइप ऑफ डिजेबिलिटी कितना है यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद जो एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है, वहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालिएगा, परमानेंट एड्रेस वही डालिएगा जो जातियावासी में रहेगा, ठीक है, वही डालिए, सेम डालिए, ठीक है। नहीं तो आपका करेस्पोंडेंस में डालेंगे, करेस्पोंडेंस वाला इसमें डाल देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और जातियावासी में नहीं अलग है और परमानेंट में दूसरा रहेगा तो आपको कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए परमानेंट एड्रेस में हमेशा जाति आवासीय वाला ही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो आपने बना के रखा है या बनवाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एग्जामिनेशन में आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने ड्रेसर के लिए अप्लाई किया है, अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया है तो मैट्रिक यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड जो भी है आपका, JCC बोर्ड, झारखंड बोर्ड से किए हैं, CBSE जो भी किए हैं यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। या 10th बोर्ड डालना है आपको। उसके बाद रोल नंबर जो आपका जो आया हुआ है यहाँ पे डालना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है। आपने मार्किंग सिस्टम लाए हैं तो मार्किंग सिस्टम डालिए। टोटल मार्क्स क्या है, मार्क्स ऑप्टेंड कितना किए हैं, ये सब आपको डालना है, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट से डालना है तो PCM ISC लिख सकते हैं, ठीक है, PCM PCB, ठीक है, ISC से किए हैं तो ISC लिख दीजिए, जिसे पास किए हैं यहाँ पर आपको फिलअप करना है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। SSC इंटरमीडिएट या 10+ डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस आपको देना है कि आपको धनबाद लेना है, रांची लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एक एक करके आपको, जैसे यहाँ पे धनबाद डाल दिए तो यहाँ पे आपको दूसरा जो च्वाइस है आपका बोकारो डाल सकते हैं, फिर तीसरा जो है रांची आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप इसके बाद आपका अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन स्कैन करके आपको डाल देना है, ठीक है। उसकी जो क्राइटेरिया है वो पूरा फिलअप करके उसको अटैच कर लीजिए। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट भी आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से करके उसकी जो प्रक्रिया है पूरी कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद आप उसका पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके मन में किसी तरह का प्रश्न उठ रहे हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।